आप सब लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका, उनके साथियों का, जो उन्होंने आज इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, हम लोगों को मिलने का समय दिया। अभी उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत का विषय आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करके, दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, वोट डाल के एक सरकार चुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सरकार उनके स्वतंत्र है। सरकार बनी और मई के महीने में मात्र तीन महीने बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है एक चुनी हुई सरकार का, अफसरशाही के ऊपर, ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई ऑफिसर काम ना करे तो उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ एक्शन, नई पोस्ट क्रिएट करना, रेगुलराइजेशन करना, ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके छीन ली दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से। उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी बहुमत से जीते। 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। लेकिन 8 साल की कोर्ट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसरशाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर सकती और ये संविधान के खिलाफ है। बहुत क्लियर ऑर्डर था, स्ट्रांग ऑर्डर था। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन ये अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। मैं अब अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि